तमाम दिखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, मैं हाफिज रिजवान रजा कादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आप तमाम हजरात के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास और प्यारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में हम एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं और आप लोगों से दिल से गुजारिश करेंगे इस वजीफ़े को आप हजरात आज के दिन ज़रूर करें। चाहे आज कोई भी दिन हो, आज अगर जुमे का दिन है तो भी आप इस वजीफ़े को करें, शनिचर का दिन है तो भी इस वजीफ़े को करें, चाहे दिन इतवार का हो, पीर यानी सोमवार का हो, मंगल का हो, बुध का हो, जुमेरात का हो, किसी भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी रात इस वीडियो को देख रहे हैं या किसी भी वक्त में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फजर का वक्त हो, जोहर का वक्त हो, असर का वक्त हो, मगरिब का वक्त हो या ईशा का वक्त हो, किसी भी टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्यारी दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा बता रहे हैं, आप हजरात इस वजीफ़े को सच्चे दिल से ज़रूर करें। इस वजीफ़े को करने की बरकत से इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इंशाल्लाह ताला आपकी हर नेको जायज दुआ कबूल होगी, आपकी हर नेको जायज हाजत पूरी होगी। आप अपने जिस भी मकसद के लिए वजीफ़े करते हों तो इस वजीफ़े को करके आप दुआ मांगे, इंशाल्लाह ताला आपको आपके उस मकसद में कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह ताला मालो दौलत के लिए, रोज़ रिस्क में बरकत के लिए, कर्ज की अदायगी के लिए, कर्ज से छुटकारा के लिए, निजात के लिए आप चाहे इस वजीफ़े को कर सकते हैं। किसी के बीमारी से शिफायाबी के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, नौकरी के लिए, शादी के लिए, हर जायज़ नेको जायज़ हाजत के लिए, औलाद के लिए, औलाद की खुशखबरी के लिए, औलाद में बेटा या बेटी के लिए, औलाद को नेक बनाने के लिए, और भी किसी भी तरह की आपकी नेको जायज़ हाजत मुराद है, किसी भी इम्तहान में कामयाबी के लिए, किसी भी काम में कामयाबी के लिए आप इस वजीफ़े को करें और दुआ करें। देखें इंशाल्लाह ताला आपको कैसे उसमें कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह पूरे यकीन के साथ इस वजीफ़े को करें तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर ज़रूर कामयाबी मिलेगी, आपकी उस मकसद में आपकी हाजत इंशाल्लाह ताला ज़रूर पूरी होगी। प्यारी दोस्तों, वजीफ़ा करने का तरीक़ा आप इसी वीडियो में जानेंगे और प्यारी दोस्तों इस वीडियो के आखिर में आपके लिए बहुत ही प्यारी दुआ भी की गई है, तो आप हजरात इस दुआ में भी ज़रूर शामिल रहिएगा और वीडियो को आखिर तक बिना कहीं स्किप किए लाजमी यानी ज़रूर देखिएगा। प्यारी दोस्तों, वजीफ़ा करने का तरीक़ा जानने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का, एक लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, उसे दबा करके, और साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन दिख रहा होगा, एक घंटे का निशान दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके उसे ऑल पे प्रेस कर लें। इससे होगा क्या कि आने वाली हमारी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचाती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दें आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये वीडियो हो सकता है किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए, तो इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आइए हम लोग वजीफ़ा को पढ़ने का तरीक़ा समझते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं जिसको आपको ज़रूर इन पर अमल करना है। सबसे पहले आप इस वजीफ़े को पूरे भरोसे के साथ, पूरे तवक्कुल के साथ करें, पूरा यकीन रखें इंशाल्लाह ताला आपकी हाजत ज़रूर पूरी होगी। इंशाल्लाह तबारक व ताला ज़रा भी शक व शुबा दिल में हरगिज़ हरगिज़ ना रखें। दूसरी बात कि इस वजीफ़े को बिल्कुल ठीक तरीके से करें, यानी कि जैसा हम बताएं वैसा ही करें। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जल्दबाजी में वीडियो को स्किप करके देखते हैं, पूरी बात समझते नहीं, तरीक़ा ठीक से समझते नहीं, इसलिए वजीफ़ा भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो प्यारी दोस्तों, आप ये गलती ना करें, जब वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, अच्छे से तरीके को समझिए, ठीक है। तो आइए हम लोग वजीफ़ा पढ़ने का तरीक़ा जानते हैं। तो प्यारी दोस्तों, सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ें शुरू में। कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद हो। प्यारी दोस्तों, अगर आपको कोई भी दुरूद शरीफ नहीं याद, आप चाहें तो देख कर भी कहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी दुरूद शरीफ आप कहीं देख कर भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद आप सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तीन बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको पढ़ना कुछ यूँ है, आपको 15 बार इसको पढ़ना है, आपको पढ़ना है या समीउ, या समीउ, ऐसे ऐसे पढ़ें, या समीउ ये हो गया एक बार, या समीउ ये हो गया दो बार, या समीउ ये हो गया तीन बार, या समीउ ये हो गया चार बार, या समीउ ये हो गया पांच बार, ऐसे ऐसे आप पूरे 15 बार यानी कि 15 टाइम्स पढ़ लें तो आखिर में भी तीन बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। जिस तरह से शुरू में आपने तीन बार दुरूद पाक पढ़ा, वही वाली दुरूद शरीफ आप आखिर में भी पढ़ें। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो शुरू में पढ़ें तीन बार वही आखिर में भी पढ़ें, और बीच में या समीउ 15 बार यानी कि 15 टाइम्स पढ़ें। और ये वजीफ़ा पूरा पढ़ने के बाद आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में हाथ उठाएं और आजजी के साथ दुआ करें, रो रो कर दुआ करें, रोना ना आए तो गिड़गिड़ा कर दुआ करें, या रोने वाला चेहरा बनाकर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर मांगें, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर मिलेगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर मिलेगा जो भी आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मांगेंगे, बेशक वो बड़ा अता करने वाला है। प्यारे दोस्तों आइए हम लोग दुआ करते हैं, आप लोग इस दुआ में ज़रूर शामिल रहिएगा और आमीन ज़रूर कहिएगा, हज़ारों अल्लाह के बंदे इंशाल्लाह ताला इस दुआ में शामिल होंगे तो आप भी ज़रूर शामिल रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहीद मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रत शहीद करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, सयाकार हैं, मैले कुचैले हैं, या रब अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं, या रब हमारी इस शर्मिंदगी को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी माँ बाप की, हमारी और सारी उम्मत की मफ़रत फरमा। मौला हमारी रोज़ी में, रिज़्क में, इल्म में, अमल में, सेहत में, उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जो भी तेरे प्यारे प्यारे बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी, हमारी और सारी दुनिया के मुसलमानों की, जिसके भी दिल में जो भी नेक वजाज़ हाजत है, जिसकी जो भी नेक वजाज़ मुराद है, तो अपने करम से हम सब की हर नेक वजाज़ मुराद को पूरा फरमा, हम सब की हर नेक वजाज़ हाजत को पूरा फरमा। मौला ताला हमारी हर नेक वजाज़ दुआ को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े में कबूल व मकबूल फरमा, हमारा ईमान पे खात्मा नसीब फरमा, रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिल नबीयल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और जाकर के आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। मैं हाफिज़ रिजवान रज़ा कादरी इंशाल्लाह ताला ऐसे ही किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूँगा। दुआओं की गुजारिश, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह हाफिज़।